मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एबिलिटी है किसी भी बॉडी की टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और एंगुलर मोशन बाय इट्सेल्फ। तो मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे आता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां काम आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मास के साथ शेप को भी इन्वॉल्व करेगा। तो जैसे क्वेश्चन आएगा, एक रिंग है, एक डिस्क है, एक स्फेयर है, एक सिलेंडर है, ये सब रोल कर रहे हैं, और मान लो इंक्लाइंड प्लेन से रेस स्टार्ट हुई, इंक्लाइंड प्लेन है एच हाइट का, चारों को इकट्ठे छोड़ दिया, कौन पहले आएगा? अगर मास सब और मास सबके बराबर हैं तो सारे बराबर आएंगे? नहीं। रोटेशनल मोशन में इसमें कॉन्सेप्ट लगता है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, वो शेप मैटर करती है। तो शेप के लिए हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। तो रूल नंबर वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कि अगर आपके पास कोई पॉइंट मास है, पॉइंट मास कोई शेप नहीं है, बस पॉइंट है, और वो इस एक्सिस के अबाउट गोल घूम रहे, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कितना है? आर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का फॉर्मूला याद रखना, पॉइंट मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट्स इट। क्या ये पॉइंट नंबर वन क्लियर है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है इसमें वो क्या लेनी पड़ेगी आपको? एम आर स्क्वायर। सिंपल, ये फॉर्मूला है। तो पॉइंट मास का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, किसी भी पॉइंट मास का एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे आर, एम इंटू आर स्क्वायर करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, राइट। अब इमेजिन करो किसी ने कहा कि मेरे पास तो पॉइंट मास है ही नहीं, मेरे पास तो डिस्क है। तो इमेजिन करो ये डिस्क है और डिस्क का ये एक्सिस है जिसके अबाउट मुझे डिस्क को घुमाना है। तो डिस्क के अंदर तो m1, m2, m3, m4 अप टू mn बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। हर पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना है? r1 है, इसका r2 है, इसका r3 है, इसका r4 है, इसका rn है। तो जितने पार्टिकल्स हैं उनका कोई डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर एक्सिस से। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, करते 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 mn rn स्क्वायर। सही है यहाँ तक? अब कितने पार्टिकल्स हैं वो मैं कैसे कैलकुलेट करते हैं या इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज हम कैलकुलेट करेंगे, पर रूल क्लियर है। अब इमेजिन करो ये सारे पार्टिकल्स मैंने फिर से इकट्ठे कर लिए, इस बार मैंने शेप जो है वो रिंग दे दी, या मैंने शेप स्फेयर दे दिया, या सिलेंडर दे दिया, तो एक्सिस से हर पार्टिकल का डिस्टेंस क्या हो गया? फिर से चेंज हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी क्या हो गई? चेंज हो जाएगी। आर वन आर टू, जब शेप चेंज करोगे पार्टिकल वही हैं पर आपने शेप चेंज कर दी, शेप चेंज करने का मतलब एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो गया, तो आई की वैल्यू भी चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है, एक कितने मासेज हैं एम वन एम टू कितने पार्टिकल्स हैं, एक दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस पे डिपेंड करता है, आर वन आर टू पर डिपेंड करता है, तीसरा शेप पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि शेप और ये एक ही बात है, शेप चेंज करने का मतलब कि आर वन आर टू की वैल्यू को चेंज करना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है। क्लियर हो गया? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का कैसे निकलता है, एक 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 पार्टिकल्स को के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा, आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ बॉडीज लेंगे और उनमें से जैसे पहली बॉडी रिंग है, रिंग के ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो रिंग है उसके ऊपर मास लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस रिंग का, जब एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है? सेंटर से। अब एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि अगर एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है तो मैं इस रिंग के पार्टिकल्स का डिस्टेंस कहाँ से लूंगा? इस सेंट्रल एक्सिस से लूंगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 एंड सो ऑन। क्लियर है? और मैं आई निकाल दूंगा। लेकिन अगर सपोज करो कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरा एक्सिस तो ये है, इसके अबाउट पूरी की पूरी रिंग ऐसे घूम रही है, एक्सिस कॉर्नर है, तो अब हर पार्टिकल की दूरी इस एक्सिस से क्या हो जाएगी? चेंज। तो आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग वही है, पार्टिकल भी वही है, शेप भी वही है, पर मैंने एक्सिस को क्या कर दिया? चेंज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू एक्सिस चेंज होने की वजह से भी क्या हो जाएगी? चेंज। इसीलिए मैंने स्पेशली मेंशन किया कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकाल रहा हूं?
एक्सेस, तो मुझे एक्सेस मेंशन करना होता है किसी भी क्वेश्चन में कि कौन से एक्सेस के अबाउट निकालना है, क्योंकि हर एक्सेस का डिफरेंट है. तो सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट इनर्शिया मुझे इसमें निकालना है. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, क्या करने जा रहे हैं?